डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 1800 कैसे वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में एक ऑन का बटन है जिसको हम ऑन करेंगे। जैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया है, कम क्लोजर, सो जैसे ही ऑन करूँगा वैसे ही यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की स्टेप शुरू हो जाएगी। इस इनिशियलाइजेशन के स्टेप में कई सारे स्टेप हैं, तो इंस्ट्रूमेंट चेक करता है कि कोई भी पार्ट इसमें जो कि अटैच्ड है वो प्रॉपर सब तरीके से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद वंस इनिशियलाइजेशन स्टेप कंप्लीट होगा वैसे ही हम फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। इसको कंप्लीट होने में लगभग 1 से 2 मिनट का समय लगता है। मोटर इनिशियलाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया, इसके बाद लैंप इनिशियलाइजेशन शुरू हो गया है। इट इज़ चेकिंग बेसिकली एनर्जी ऑफ लैम्प वेदर इट इज़ ओके और नॉट, सो इट इज़ ओके। नाउ इट्स चेकिंग D2 लैम्प है, इसमें ड्यूटेरियम लैम्प लगा हुआ है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। सो इट इज ओके। नाउ इट्स चेकिंग वेवलेंथ चेक। सो इट इज़ ओके। इसका मतलब है यूवी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक्चुअली हमने इसमें सेट किया हुआ है पीसी कंट्रोल, यानी कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कनेक्टेड विद कंप्यूटर, सो इनिशियली पीसी कंट्रोल ही आएगा, बट मैं आपको मैन्युअली दिखाता हूँ। सो वी हैव टू प्रेस रिटर्न। सो जैसे ही हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन करते हैं वैसे ही इसमें 8 स्टेप्स आपको दिखेंगे। पहला है फोटोमेट्रिक मोड। फोटोमेट्रिक मोड में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर लैम्डा मैक्स पता है तो डायरेक्ट आप फोटोमेट्रिक मोड में जाकर आप उसका जो है ना एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐड करनी है। देन सेकंड है स्पेक्ट्रम मोड। स्पेक्ट्रम मोड में अगर आपको किसी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स नहीं पता है तो आप स्पेक्ट्रम मोड में जाकर उसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन आप ग्राफ भी देख सकते हैं। देन क्वांटिटेशन, काइनेटिक्स, टाइम स्कैन, मल्टी कंपोनेंट, बायो मेथड्स, यूटिलिटीज़, ये अदर मेथड्स भी हैं, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे, बट हमारे लिए जो शुरुआत में यूज़फुल है वो है फोटोमेट्रिक मोड और स्पेक्ट्रम मोड। रोटेटर
डिटरमाइन द लैप्लोमैक्स ऑफ गिवन ड्रग। इसके लिए जो भी हम ड्रग हमें दी जाएगी, हम उसके सबसे पहला होता है उसके डायमेंशंस बनाना, क्योंकि जो लैम्बर्ट स्पीयर लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डायल्यूट सॉल्यूशंस। तो हमें ड्रग को डायल्यूट करना है, डायल्यूट करने के लिए हमें उसका नंबर ऑफ डायल्यूशंस भी पता होना चाहिए। सो आज हम बनाने वाले हैं 10 माइक्रोग्राम कॉन्सेंट्रेशन की ड्रग। सो इसके लिए वी हैव टेकन 100 एमजी ऑफ ड्रग, जो भी हमें ड्रग दी जाएगी उसका 100 एमजी हम लेंगे, वे करेंगे, इसके बाद हम उसे 100 एमएल में डिसॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट चूज किया है मिथेनॉल एंड वाटर। मिथेनॉल लिया है हमने 50 पार्ट एंड 85 पार्ट हमने वाटर लिया है, सो 50:85 के रेशियो में हमने सॉल्वेंट लिया है। सो वी हैव टेकन 100 एमजी ड्रग एंड वी हैव डिसॉल्वड इन 100 एमएल, सो द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन इज 1 एमजी पर एमएल, 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड इट इज इन एमजी एंड दिस इज इन एमएल, सो एमजी पर एमएल, सो 100 से 100 कैंसिल आउट एंड वी गॉट 1 एमजी पर एमएल। सो दिस 1 एमजी एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट टू 1000 माइक्रोग्राम, सो द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन इज 1000 माइक्रोग्राम पर एमएल। देन इसमें से हम 1 एमएल लेंगे एंड डाइल्यूट करेंगे इसको 10 एमएल तक, सो 1000 डिवाइडेड बाय 10, सो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन विल बी 100 माइक्रोग्राम पर एमएल। अगेन वी हैव टेकन 1 एमएल एंड वी हैव डाइल्यूटेड इट टू 10 एमएल, सो द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन इज 100 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 माइक्रोग्राम पर एमएल। सो दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर एमएल एंड वी विल टेक दिस एज फाइनल कंसंट्रेशन एंड एवैल्यूएट द लैम्डा मैक्स ऑफ 100 mg वे कर लिया है। नाउ मैं इसे पोर कर देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, यह 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें पोर कर देता हूँ 85 ml ऑफ वाटर। फिफ्टीन एम एल ऑफ मिथेनॉल, देन चेक करूँगा कि सॉल्यूशन प्रॉपरली बन गया है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन प्रॉपरली नहीं बना होगा देन वी हैव टू सोनिकेट इट। ये डिसॉल्व हो गया है, सो नो नीड टू सोनिकेट। नाउ इसमें से वी विल पिपेट 1 ml, सो वी हैव ट्रांसफर्ड 1 ml इनटू 10 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, देन हम इसको वॉल्यूम में कर देंगे टू 10 ml विद द सेम सॉल्वेंट दैट इज 10 ml सो इट्स 10 ml, द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन इज 100 माइक्रोग्राम पर ml। इसमें से फिर अगेन वी विल पिपेट आउट 1 ml एंड वी विल डाइल्यूट इट टू 10 ml, सो वी हैव पिपेटेड आउट 1 ml एंड फाइनली हम इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे सो द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन इज 10 माइक्रोग्राम पर एमएल। सो ये यूवी के क्यूबिट्स हैं जिनकी पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर है। पोर करेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा है वाटर एंड मिथेनॉल। सो यहाँ पर हम दो स्लॉट हैं, पीछे का स्लॉट रेफरेंस का है और आगे वाला स्लॉट
सैंपल का है, तो हमने दोनों स्लॉट्स में रेफरेंस और सैंपल वाले स्लॉट्स में हमने सॉल्वेंट रख दिया। फिर हम करेंगे यहाँ पर ऑटो ज़ीरो, दिस इज़ यहाँ पर बटन है ऑटो ज़ीरो का, सो वी हैव प्रेस्ड इट। ऑटो ज़ीरो की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें सैंपल पोर करेंगे और फिर हम प्रेस करेंगे स्टार्ट का बटन, यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, मैं इसे स्टार्ट कर दूँगा। सो हमारा ग्राफ आ गया है, देन वी हैव टू प्रेस F1 एंड देन F3। F3 से ये जो ग्राफ हमारा ऊपर निकल गया है, ऑटो स्केलिंग करेंगे, सो इट विल कम दिस, दिस इज़ अवर ग्राफ। सो ये हम गए थे स्पेक्ट्रम मोड में, सो वी विल गो रिटर्न। यहाँ पर हैं फिर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले नंबर पे 4 ऑपरेशंस, डेरिवेटिव, देन पीक, एरिया कैलकुलेशन, पॉइंट पिक एंड डेटा प्रिंट। सो हमें देखना है कि कौन कौन सी इसमें वेवलेंथ आई हैं, उसके लिए वी हैव टू प्रेस 3 में पीक एंड 4 में एरिया कैलकुलेशन, सो वी विल प्रेस 3। सो एक आ रही है 819 और दूसरी आ रही है 207। 207 पर द लैम्डा एब्जॉर्बेंस इज शोइंग 1.366, सो वी विल चूज दिस 207 एज लैम्डा मैक्स ऑफ दिस कंपाउंड। सो आपने देखा यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑन किया, इसके बाद फिर हमने कैसे इसका डेटा प्रोसेस किया। नेक्स्ट कम क्लोजर, नेक्स्ट वी विल गो रिटर्न, देन इट इज़ आस्किंग वेदर यू वॉन्ट टू सेव दिस प्रोग्राम और नॉट, सो वी विल से नो एंड वी विल प्रेस एंटर, देन वी विल गो रिटर्न, डेटा इज नॉट सेव्ड, क्लियर इट, सो वी विल से यस। वापस से हम पहुंच गए यहाँ पर, फिर से लोड प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड पीसी कंट्रोल। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कंप्यूटर से इसको कैसे करते हैं। सो वी विल प्रेस दिस F4 पीसी कंट्रोल। सो यहाँ पर जो पीसी जो इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट होता है सॉफ्टवेयर, उसका नाम है UV Probe 2.35। हम इसे प्रेस करते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पर बहुत सारे फिर आपको दिख रहे होंगे, पहला है ये, दिस इज़ काइनेटिक्स, दिस इज़ फोटोमेट्रिक मोड, दिस इज़ स्पेक्ट्रम मोड, सो वी विल प्रेस स्पेक्ट्रम मोड। स्पेक्ट्रम मोड बनाने जैसे ही प्रेस करेंगे फिर हमें मेथड देना होगा, यहाँ पर अब मेथड हमने चूज़ किया, मेथड है यहाँ पर वेवलेंथ की जो रेंज है वो है 400 से लेके 200 के बीच में, एंड इट इज़ फास्ट। फिर इसके बाद ये कहाँ पर सेव हो रहा है उसका पाथ नेम दिया है, फाइल का पाथ नेम दिया हुआ है, सब कुछ ओके है, हम इसे ओके कर देंगे। ये हमारा मेथड ऑलरेडी सेव्ड था, सो नाउ वी विल कनेक्ट। हम जैसे ही इस कनेक्ट बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं, ऑटो ज़ीरो आ गया, बेसलाइन आ गया, गो टू वेवलेंथ आ गया, स्टार्ट आ गया, डिसकनेक्ट आ गया। सो हम यहाँ पर स्टार्ट का बटन अब हम प्रेस करते हैं, जैसे ही हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे वैसे ही ये ग्राफ शुरू हो जाएगा स्पेक्ट्रम मोड का।
यहाँ पर ये वेव लेंथ रीड कर रहा है 400 से 200 के बीच में जा रहा है। सो जैसे ही यहाँ पर हमें कोई भी ग्राफ दिखेगा वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। सो एब्जॉर्बेंस यहाँ पर 0.003, 0.004, सो एक्चुअली में एब्जॉर्बेंस नहीं है। Then we got one peak around 300. नाउ ये ऑप्शन पूछ रहा है कि हमें ये कहाँ पर स्टोर करना है। सो वी विल प्रेस जस्ट ओके, क्योंकि हमारी ये ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। वी विल प्रेस जस्ट ओके। सो ये यहाँ पर हमारा ग्राफ आ गया है एंड ये फाइल नेम है 201224, जिसमें ये डेटा सेव है। अब क्योंकि ये ग्राफ जो है ना हमें दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कॉपी ऑटो स्केलिंग देन क्रॉस हेयर। सो हम ऑटो स्केलिंग पर करेंगे तो ये पीक जो है ना हमें शो हो रही है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी पीक को आप सिलेक्ट करके उसका एरिया आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये जूम किया है, सो 300 से लेके 345 तक ये पीक दिख रही हैं। 1, this is 21। सो जितनी पीक होंगी, एक्चुअली में इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, कई सारी पीक आ रही हैं। देन अगेन वी विल प्रेस ऑटो स्केलिंग एंड हम ये जो पीक हैं इनको हम देखते हैं। सो ये पीक जो है ना जूम करके हम देख सकते हैं, इसमें कई सारी पीक आ रही हैं। वी विल फर्दर जूम इट। सो ये हम मीन्स अगर इस ड्रग को देखेंगे हम तो 205 से लेके 260 तक बहुत पीक आ रही हैं। सो इसका फिर हम इसमें से हम जो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है उसको हम लैम्डामैक्स ले सकते हैं। सो अब मैं देखने के लिए कि इसमें कौन कौन सी पीक्स आई हैं, हम यहाँ पर ऑपरेशंस, यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं, फाइल एडिट व्यू ऑपरेशंस ग्राफ इंस्ट्रूमेंट टूल्स विंडोज़। हम ऑपरेशंस में जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट है पीक पिक, उसको हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये जितनी भी पीक्स इसके अंदर हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। सो 344 पर एब्जॉर्बेंस 0.004 है, 253 पर एब्जॉर्बेंस आ रही है 0.693, देन 251 पर आ रही है एब्जॉर्बेंस 0.736, 247 पर अगेन 0.617, देन 246 पर 0.7, और आप अगर देखेंगे ये बहुत सारी पीक्स आ रही हैं। देन 206 पर आ रही है एब्जॉर्बेंस 1.361, देन 201 पर 1.891, और बहुत सारी पीक्स आ रही हैं। सो जितनी ज़्यादा ड्रग इम्प्योर होगी उतनी ही मल्टीपल पीक्स दिखेंगी, अगर ड्रग प्योर होगी तो हमें एक या दो वेवलेंथ जो भी उस ड्रग की हैं, प्योरेस्ट ड्रग में तो उसका लैम्डा मैक्स ही शो होगा। सो आई थिंक आपको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 1800 कैसे ऑपरेट करते हैं आ गया होगा। आप मुझे अपना जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो। ओके, थैंक यू।